सो हेलो गाइस, दिस इज जॉन। वेलकम बैक टू दिस वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में हम सिंपली इंस्टॉल करने वाले हैं लैंड क्रूजर टोयोटा, ठीक है ना गाइस, जो कि बहुत ही फेमस गाड़ी है। तो हम बिना किसी देरी के वीडियो की स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है गाइस, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना गाइस, क्योंकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। अगर कोई भी ऐसी नई वीडियो मैं डालूंगा तो आपको तक नोटिफिकेशन वो पहुंच जाएगा। सो गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो गाइस, सबसे पहले अपने जो कंप्यूटर है उसको इंटरनेट से कनेक्ट कर लेना, और क्या नाम है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ उस जो मॉड का, जो गाड़ी की मॉड है। यहाँ पे देखो, मैं पहले से इंस्टॉल करके रखा है, तो आप इसको इंस्टॉल कर लेना गाइस। मैं एक बार दिखा देता हूँ किस तरीके से, मैं उस लिंक को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये जो मॉड्स है मैंने GT5 की ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया है। तो सो ये वाला मॉड है, आप यहाँ से क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर देना। ये करीबन 40 MB की फाइल है, ठीक है। ये 2019 मॉडल है टोयोटा लैंड क्रूजर VXR, ठीक है ना गाइस। इसको इस तरीके से इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपली आना है ये जो जिप वाली फाइल है, ठीक है। इसको हम राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट फाइल कर लेंगे, ठीक है। एक्सट्रैक्ट फाइल कर लेंगे तो जैसे ही एक्सट्रैक्ट फाइल करेंगे, ये हमारा फाइल जो है एक्सट्रैक्ट हो गई गाइस। सिंपली इसको क्लिक करना है, इसको साइड में लगाना है और खोलना है अपना GT5 की जो मेन डायरेक्टरी है, ठीक है। और इसमें आप मॉड्स फोल्डर, अगर आप GT5 मॉड्स करते आए हैं, मॉडिंग करते आए हैं, तो आप मॉड्स का फोल्डर जरूर बनाए होंगे गाइस। अगर नहीं बनाए होंगे तो इस तरीके से मॉड्स फोल्डर आप क्रिएट कर लेना। इसको क्लिक करने के बाद आपको अपडेट वाले ऑप्शन में आना है, X64 वाले से ऑप्शन एंड DLC पैक में आना, ठीक है। सो यहाँ पे आने के बाद ये जो फाइल है इसको सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना इसमें, ठीक है। तो मैं नहीं करने वाला हूँ, जैसे कि आप इसी तरीके से आप छोड़ देना तो ये ड्रैग हो जाएगा, तो मैं नहीं करने वाला, क्योंकि मेरे में देखो पहले से इंस्टॉल या ड्रैग करके मैंने रखा है इसमें कॉपी करके, ठीक है ना गाइस। और इसका जो इंस्ट्रक्शन है जो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर मॉड्स में आना DLC पैक X64 में, ये आपको इंस्ट्रक्शन उस जहाँ से आप फाइल को डाउनलोड करेंगे वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना गाइस। जैसे कि मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ, अगर आप मान लो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको नहीं समझ में आ रहा, तो वहाँ पर आप इंस्ट्रक्शन किस तरीके से इंस्टॉल किया जाएगा वहाँ पर भी आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप वहाँ पर जैसे ओपन करोगे, एक मिनट, जैसे आप यहाँ पे डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद, सॉरी डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे आप देख लो किस तरीके से इंस्टॉल करना है। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, फर्स्ट गो टू द मॉड फोल्डर में आपको जाना, फिर अपडेट वाले 64 एंड DLC पैक में, और ये जो वाली फाइल है DLC पैक में ये वाली, उसको आप सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना इस वाली फाइल में। आप देख लो अच्छे से, इसमें अपडेट X64 DLC पैक ओपन करना, ये वाले सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना, एंड फिर आना आपको OpenIV सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। इसको ओपन करने के बाद आपको सीधा जाना अपडेट वाले फोल्डर में, यहाँ पे आप देख सकते हो अपडेट वाले, फिर update.rpf में जाना है, update.rpf में जाने में कॉमन में जाना है, फिर डेटा में जाना है, और यहाँ पर आप सिंपली सबसे पहले यहाँ पर आप एडिट मोड को ऑन कर लीजिएगा। एडिट मोड ऑन करने शोन इन मॉड्स फोल्डर, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है अगर आपने शो करेगा तो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है DLC.xml वाली फाइल को, इस पर आप क्लिक करके सीधा राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे एडिट वाले ऑप्शन को क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे जैसे एडिट वाले ऑप्शन क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको एडिट करने का ऑप्शन आ जाएगा। सो यहाँ पर ये जो फाइल है इस तरीके की, ये वाली फाइल है, इसको आपको इस तरीके से पेस्ट कर देना है। ये फाइल अगर यहाँ पर आपको दी रहेगी, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ना, यहाँ पर ये वाली फाइल है, इसको सीधा कॉपी करना है और यहाँ पर हमको पेस्ट कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर बना पेस्ट कर दिया, ये जो DLC आइटम DLC पैक इस तरीके से आपको लिख देना है, और वाली जो VXR नाम के इस तरीके से स्लैश लगा के पेस्ट कर दे। अब इसको करने के बाद यहाँ पे आपको सेव कर देना है, बस आपका कंप्लीट हो गया। सो आइए मिलते हैं अपने GT5 की गेम में, और वहाँ पर आपको देख इसको स्पॉन किस तरीके से करना वो आप जानेंगे, ठीक है। इसको मैं ओपन करता हूँ। सो गाइस, यहाँ पर हम GT5 में इंटर कर चुके हैं,
आपको उस गाड़ी को इंस्टॉल करने रिस्पॉन्ड करने के लिए सबसे पहले आपको के पास सिंपल ट्रेनर होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर है। मैंने कोई मोड मेन्यू आप इंस्टॉल किए होंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, व्हीकल ऑप्शन में आप जाएंगे और यहाँ पे व्हीकल स्पॉनर में आएंगे और लास्ट में सबसे आएंगे इनपुट मॉडल पे जाके। यहाँ पे जो इस कार को या लैंड टोयोटा को स्पॉन करने के लिए सबसे जो यहाँ पर कोड दिया गया है VXR लिखकर आप इंटर करेंगे। इंटर करने से आपको यहाँ पर देखिए इंस्टॉल हो गया। सो गाइज अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना गाइज और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जैसे कि मैंने पहले ही बताया गाइज। इस तरीके से आप टोयोटा को अपनी GT5 में ला सकते हैं गाइज। सो गाइज मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।